प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पथक निधुलनु प्रधानी नरेंद्र मोदी विडुदल चेशारु। देशव्याप्तंगा उन्न 9.5 कोट्ल मंदि रैतुल खाताल्लो 19,000 कोट्लु नेरुगा जम कानुन्नायि। ఈ స్కీమ్ కింద ఒక రోజులో ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని చెల్లిస్తుండడం ఇదే ప్రథమం। తొలిసారి ఈ పథకం ద్వారా పశ్చిమ బెంగాల్ రైతులు కూడా లబ్ధి పొందనున్నారు। 5 ఎకరాల లోపు భూమి ఉన్న రైతులకు ప్రతి 4 నెలలకోసారి 2,000 చొప్పున కేంద్రం పెట్టుబడి సాయాన్ని అందజేస్తోంది। అబి తక్ ఇస్ యోజన కే తహత్ దేశ్ కే లగ్భగ్ 11 కరోడ్ కిసానో కే పాస్ లగ్భగ్ 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, मतलब कि 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाइयों और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है।